हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि हम अपने घर में मंदिर कैसे सेट कर सकते हैं। अगर हमारे पास प्रॉपर मंदिर नहीं है या प्रॉपर कोई प्लेस नहीं है, तो हम किस तरीके से किसी एक वॉल या किसी एक घर के किसी भी एक कॉर्नर को लेकर किस तरीके से मंदिर सेट करें, ये पार्ट वन पे होगा। और पार्ट टू इसी वीडियो का रहेगा, जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि हमें अगर घर पर कोई छोटी सी पूजा करनी है तो उस पूजा की तैयारी हम कैसे कर सकते हैं, उसको थोड़ा सा कैसे डेकोरेट करके थोड़ा सा अच्छा तरीके से किया जा सकता है। तो चलिए फटाफट इन वीडियो को सेट करते हैं और आप दोनों वीडियो को जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे मैंने दो टेबल लिया है जिसमें ड्रॉर्स भी हैं, और इससे मैंने एक मंदिर का स्ट्रक्चर क्रिएट किया है। और मैंने ये लाइटिंग लगा के रख ली थी पहले से लगी हुई थी, तो इस वजह से मैंने उसे डिस्टर्ब नहीं किया। वो मैं आपको लेटर ऑन दिखाऊंगी कि वो कैसे हुआ। उसके बाद मैंने इसे बहुत अच्छे से पूरा क्लीन कर दिया और ड्रॉर के सारे सामान निकाल दिए। मीनवाइल फ्रेंड्स, भगवान के जितने भी मैं बर्तन यूज़ करती हूँ उसे अच्छे से प्रॉपर वॉश करने के लिए मैंने यहाँ पे दो टिप्स यूज़ किए हैं। सिल्वर फॉयल जो है वो यूज़ होगा सिल्वर के जितने भी मेरे पास यूटेंसिल्स हैं उसे क्लीन करने के लिए। इसके लिए आपको करना ये होगा कि थोड़ा सा आप पानी को बॉयल कर लीजिए। जब पानी थोड़ा बॉयल होने लगे उसमें आप फॉयल पेपर को इस तरीके से डाल दीजिए और थोड़ा सा सोडा डाल दीजिए। उसके बाद 5 मिनट के लिए आप इन सारे सिल्वर के बर्तन को इसी तरीके से अंदर रहने दीजिए और बाद में इसे अच्छे से वॉश कर दीजिएगा। इसके बाद मैंने इनको इस तरीके से ऐसे रख दिया है। और दूसरी तरफ मैंने ब्रास और कॉपर के जितने भी यूटेंसिल हैं उसे क्लीन करने के लिए लेमन यूज़ किया है। लेमन को मैंने पूरी अच्छी तरीके से सब बर्तन में लगा दिया और इसको भी मैं आप छोड़ देती हूँ और हम लोग आगे क्लीनिंग के लिए चलते हैं। तब तक ये अच्छे से क्लीन हो जाएगा। अब मैंने ड्रॉर को दोनों खाली कर दिया था, उसे अच्छे से क्लीन कर दिया और इसमें सारी भगवान से रिलेटेड चीज़ें जो मुझे डेली पूजा में यूज़ होती हैं वो सारी चीज़ें रखी हैं। और पूजा के जो भी सामान रहता है वो सारी चीज़ें रखी हैं, जैसे कि भगवान का प्रसाद, मैच स्टिक, अगरबत्ती, दिया बाती, घी, ये सारी चीज़ें इसमें रखी हैं। ड्रॉर वाला टेबल लेने के पीछे रीज़न भी यही था, ताकि सारा एक्स्ट्रा सामान पूजा का इसके अंदर आ जाए और वो टेबल पर ना रखा हो। टेबल पर रखे रहने से वो थोड़ा सा क्लम्सी कंजेस्टेड भी लगता है और देखने में भी उतना अच्छा नहीं लगता। तो इस तरीके से ये पूरा ड्रॉअर सेट हो गया। अब आती है बारी भगवान को अच्छे से सेट करने की। तो भगवान के जो मेरे पास फ्रेम है वो थोड़ा सा ऑकवर्ड साइज़ में थे, तो मैंने इन्हें अलग अलग पोजीशन में सेट करके देखा, लेकिन फाइनली मुझे यही अच्छा लगा तो मैंने इस तरीके से रखा। और इसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि मैंने क्या ऑप्शन यूज़ किए थे यहाँ पर भगवान का बेस स्ट्रक्चर बनाने के लिए। तो मैंने ऑप्शन वन में यहाँ पर जो ये ब्लू कलर का आप नीचे बेस देख रहे हैं ये फ़ोन का बॉक्स था जिसे मैंने यूज़ किया था बेस बनाने के लिए। और उसके नीचे मैंने एक रेड कलर का जो डाइनिंग मैट होता है वो यूज़ किया था, और सामने मैंने येलो कलर का जो टाल आता है वो यूज़ किया है भगवान के लिए, बिकॉज़ भगवान में हमेशा रेड येलो कलर ही यूज़ होते हैं। और इस तरीके से मेरे पास जो भी डेकोरेशन के सामान थे उससे मैंने थोड़ा डेकोरेट करने की से कोशिश की थी। इस तरीके से ये ऑप्शन वन है। अगर आपके पास कुछ ऐसे बॉक्स हो जो सेम कलर का हो तो उसे आप यूज़ कर सकते हैं, उसमें आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं आपको ऑप्शन टू दिखाती हूँ। ऑप्शन टू में मैंने ये एक बॉक्स लिया और इसमें मैंने येलो कलर का कपड़ा अच्छी तरीके से पेस्ट कर दिया, जो बहुत ईजिली हो गया, और ये सेलो टेप से मैंने पेस्ट किया था। और अगेन वो येलो कलर का जो मेरे पास टाल था उसी को मैंने नीचे बेस पे रखा और वो सारे डेकोरेशन के जो भी सामान थे उसे मैंने रख दिया। उसके बाद मेरे पास जो मेरे भगवान हैं बाल गोपाल, गणेश जी, उनको मैंने रखा। इस तरीके से मैंने टॉवल इस वजह से यहाँ पे यूज़ किया था क्योंकि वो थोड़ा थिक भी होता है और देखने में भी अच्छा लगता है, वो एज अ कारपेट जैसे हो जाता है भगवान के पास, इस वजह से मैंने उसे यूज़ कर लिया। और ये नया ही मैं लिया और हमेशा मैं इसी टाइप के ही कपड़ों को यूज़ करती हूँ भगवान के नीचे बिछाने के लिए, बिकॉज़ वो देखने में भी कारपेट जैसे लगता है और वो स्लिप कभी नहीं होता। तो इस तरीके से ये भगवान का सेट हो गया पूरा मंदिर। अब इसके बाद मैंने जो भी मेरे पास भगवान के रिलेटेड एक्स्ट्रा सामान थे वो मैंने ऐसा एक बॉक्स लिया और उसमें पहले से ही पार्टीशन था, और इस बॉक्स में मैंने सब कुछ को अरेंज करके अपने भगवान के पास ही रखा, ताकि कभी भी कुछ ज़रूरत पड़े तो ये अरेंज भी रहे और मुझे ईजिली मिल जाए। सो ये पूरा सेट हो गया। और इस तरीके से ये यहाँ पे मुझे एक राखी मिली थी, तो इस राखी को भी मैंने डेकोरेशन के लिए यूज़ कर लिया। आपको मैं आगे दिखाने वाली हूँ। ये जो सेकंड ड्रॉअर आपने देखा उसमें कुछ एक्स्ट्रा सामान जो पहले से रखे हुए थे उसको मैंने वैसे ही रहने दिया, उसमें मैंने कुछ भी नहीं किया।
इसके बाद मैंने इसे मंदिर जैसा और लुक आ जाए उसके लिए मैंने यहाँ पे रेड कलर के चार्ट पेपर से ये ओम बनाया था। और ये जो कुंदन आप देख रहे हैं, ये स्टिकर वाले कुंदन आते हैं, उसे मैंने पूरे इसके किनारे किनारे लगा दिया, जो रात में ये लाइट्स ऑफ हो जाती हैं तो काफ़ी सुंदर दिखता है। इसके अलावा मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मंदिर का शेप दिया है और यहाँ पे मैंने लाइटिंग से ये पूरा इस तरीके से ट्रायंगल शेप दिया था और उसमें मैंने फ्लावर्स को पूरा स्टिक कर दिया है, जो बेल आती हैं फ्लावर्स के लीव्स के वो मैंने लगा दिया। मीनवाइल मेरे ये बर्तन भगवान के पूरे अच्छे से साफ़ कर दिया, मैंने आपको दिखाया था, बस एट लास्ट आपको इसे स्क्रबर से अच्छे से क्लीन कर लेना है। अब मैं आपको दिखाती हूँ पूरे मंदिर का लुक। यहाँ पे मैंने ये मनी प्लांट यूज़ किया था, ये जो पॉट आप देख रहे हैं ये प्लास्टिक जूस का पॉट था, इसमें मैंने स्टोन डाल के मनी प्लांट लगा दिया और नीचे एक प्लेट रख दिया और यहाँ पे एक बटरफ्लाई मैंने पेस्ट कर दिया। इसके बाद जो सेकंड यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे भी मैंने सेम प्लेट यूज़ किया, उसमें मैंने ये मोर पंख लगा दिया और ये मेरे पास एक क्रिसमस में जो बॉल डेकोरेशन का आता है वो मेरे पास सिर्फ सिंगल लेके रखा हुआ था तो मैंने इसे यहाँ पर लगा दिया। और इस तरीके से पूरा मेरा मंदिर रेडी हो चुका है और अब मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ अपने मंदिर का। सो फ्रेंड्स, मैं आपके साथ वही सारी अपने एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ जो मैं खुद कर पाऊँ, बिकॉज़ फैमिली के साथ तो बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता है स्केड्यूल, तो उसमें अपना ध्यान रखने के लिए हम लोग बहुत इजी तरीके से क्या कर सकते हैं, वो सारे वीडियोस भी मैंने आपको शेयर किए हैं अपने दूसरे चैनल में स्टनिंग क्रिएशन करके। अगर आपने नहीं चेक किया होगा तो शीतल तिवारी स्टनिंग क्रिएशन चैनल है मेरा, वो आप ज़रूर से जाके चेक करिएगा। और साथ ही साथ इस तरीके के जो भी मैं जुगाड़ वाली वीडियोज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो सारे वीडियोज़ भी देखेगा और आई थिंक आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, बिकॉज आई अंडरस्टैंड एज अ हाउस वाइफ एज अ होम मेकर हमारे पास बहुत सारा काम होता है और उसमें ये सारी चीज़ों को करना थोड़ा सा मुश्किल भी जाता है कई बार, लेकिन आपके साथ मैंने वही सारी चीज़ें शेयर करती हूँ जो आप बहुत ईजिली और फटाफट कर लें, उसमें आपको बिल्कुल भी झंझट ना लगे। और इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर हम चाहें तो उसे और भी अच्छी तरीके से कर सकते हैं, मगर मैं तभी कर पाती हूँ अगर मेरे पास थोड़ा टाइम हो, तो मैं इसे और थोड़ा सा ब्यूटीफाई करती हूँ और इसको फिर मैं डेकोरेट करती हूँ, तो मेरे टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, मुझे जैसे जैसे टाइम मिलता है मैं वैसी तरीके से अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा फ्रेंड तो आपको पता ही है आपको क्या करना है, प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करिएगा, लाइक करना मत भूलिए, ज़रूर से लाइक करिए ताकि मुझे समझ में आए कि मेरे वीडियोस आप लोगों को पसंद आ रहे हैं। और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, बिकॉज़ अगर आप बेल आइकन हिट नहीं करेंगे तो आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस के इस तरीके के जुगाड़ वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे, तो बेल आइकन को ज़रूर से हिट करिए। और मेरा सेकेंड वीडियो आने वाला है कि अगर हमें अपने घर पर छोटा मोटा पूजा रखना है तो उससे हम कैसे तैयारी कर सकते हैं, कैसे ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, तो वो पार्ट टू रहेगा इसी वीडियो का, आप उसे ज़रूर से देखिएगा। अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, भगवान आप सबको खुश रखें, आप सबकी मनोकामना पूरी करें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।